गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 और 2 डिस्कस किए थे। आज हम लोग प्रॉपर्टी 3 और 4 डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कंबाइंड प्रॉब्लम करेंगे प्रॉपर्टी 1, 2, 3 और 4 पर। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 की मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। ठीक है जी, यहाँ पर एंगल जो है वो रेसिप्रोकल में 1/x, तो आपका आंसर आने वाला है साइन इनवर्स x। जो मोड ऑफ x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अभी मैं प्रूफ भी करता हूँ, दोनों लिख लीजिए एक बार। अगर आपके पास लिखा हो सीकेंट इनवर्स 1/x, तो आप इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स, मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और एक्स अगेन 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड की मैं बात कर लेता हूँ, थर्ड की अगर आपके पास लिखा हुआ है कोट इनवर्स 1/x, तो आप इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स, कब, जब एक्स क्या हो आपके पास पॉजिटिव नंबर हो, और अगर आपके पास लिखना पड़ेगा पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस एक्स, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, कब, एक्स जब क्या हो नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, अभी मैं प्रूफ भी करता हूँ। यस, इसके लिए मैं दिमाग की बत्ती जला लीजिएगा जब अगर ऐसा मिले, समझ गए कि आप लोग। बाकी दोनों में तो डायरेक्टली लिख पाएंगे, कोसिकेंट इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स होता है, सीकेंट इनवर्स 1/x कोस इनवर्स एक्स होता है, बट कोट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स एक्स या पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, उसके लिए अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो टेन इनवर्स एक्स आएगा, अगर x नेगेटिव हुआ तो क्या आएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स x। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का प्रूफ मैं करता हूँ। फर्स्ट का हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रूफ कर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोसिकेंट इनवर्स 1/x को लेट्स थीटा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 1/x को मैं क्या लिख पाऊंगा, कोसिकेंट थीटा लिख पाऊंगा क्या, अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया तो मैं x को क्या लिख पाऊंगा, साइन थीटा लिख पाऊंगा। दोनों साइड साइन इनवर्स ले लिया तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया, और ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। क्या लिख लिया हम लोगों ने इसको, साइन इनवर्स एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, -1 से 1 में थीटा बन कर आ जाता है, तो अपने पास क्या आ गया, थीटा बन कर आ गया। समझ गए क्या, वही हम लोगों को तो निकालना था, समझ गए क्या, ये तो क्या बनकर आ गया, थीटा बनकर आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कोसिकेंट इनवर्स 1/x और साइन इनवर्स थीटा के बराबर, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली सिकेंट इनवर्स 1/x वाला किया जा सकता, प्रॉब्लम किस में, कोट इनवर्स 1/x वाले में। उसका फंडा देखिए आप, उसको हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने क्या किया, थर्ड का मैं प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पर थर्ड वाले का प्रूफ कर रहा हूँ। लेट हम लोगों ने मान लिया कि जो कोट इनवर्स 1/x है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, बट जो थीटा है आउटपुट कोट इनवर्स किया तो थीटा को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, 0 से पाई, क्या नहीं हो सकता, पाई बाई 2 अपन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। समझ गए क्या, तो 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा कोट थीटा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। दोनों साइड टेन इनवर्स ले लिया तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेंजेंट थीटा बनकर आ जाएगा। अब मुझे तो टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा का क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। अगर आपको ग्राफ याद है तो एक बार ग्राफ देख लीजिए, कैसा मैंने ग्राफ बनाया था वहां पर। ठीक है जी, अगर आपको ग्राफ याद है तो कुछ ऐसा बनकर आया था। ठीक है जी, ये -π/2 यानी ये π/2 है, यहाँ पर ये वाला कितना आया था, -π/2 में यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, फिर हम लोगों ने किस पे बनाया था, पाई के लिए बनाया था। ओपन ब्रैकेट तो ये लाइन y इज इक्वल टू x था, और ये क्या आया था अपने पास, x माइनस पाई, अगर आपके पास tan इनवर्स ऑफ tangent थीटा का आपको ग्राफ याद है। ठीक है जी, तो ये tan इनवर्स ऑफ, ये थीटा कब होगा, थीटा कब होगा, tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे थीटा कब होगा, थीटा कब होगा, जब थीटा किसको लाई करेगा, 0 से π/2 को लाई करेगा, यानी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा।
समझ गए क्या? जब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यानी एक्स क्या होगा, 0 से π/2 में एक्स क्या, थीटा तो क्या है, टेंजेंट थीटा, तो पॉजिटिव आंसर देगा। टेन इनवर्स एक्स कितना आंसर देगा, थीटा देगा। और थीटा किसको माना था आपने, कोट इनवर्स एक्स को माना था, किसको माना था, कोट इनवर्स एक्स को माना था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x आ जाएगा। कब, जब आपके पास एक्स पॉजिटिव है, यानी थीटा कहाँ से, 0 से π की बात कर रहे हैं, समझ गए। सेकंड केस की मैं बात करूं, जब आपके पास थीटा π/2 से π होगा, तो आपका जो टेन इनवर्स वाला केस है, ये क्या बनकर आएगा, ये थीटा नहीं बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा, थीटा माइनस पाई बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा, थीटा माइनस पाई। थीटा किसको माने थे आप, कोट इनवर्स 1/x को माने थे, समझ गए। पाई इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्या, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, π/2 से लेकर π की बात कर रहे हैं। थीटा यहाँ पर किस केस में कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से π होगा, यानी थीटा जब π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट में रखेंगे, तो एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है क्या? अगर आपको रीजन समझ में आ गया है, तो एक बार वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, दोबारा से अपने आप समझ लीजिए इसको। ओके, टेक योर टाइम एंड नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की यहां पर मैं बात करूं, तो ये लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ मिल जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर डायरेक्टली π/2 आएगा। बस हम लोगों को ध्यान रखना है, जो मोड ऑफ एक्स है वो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। प्रूफ भी करता हूँ एक सेकंड इसका। सेकंड की मैं बात करूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ मिल जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो ये आपका आंसर π/2 आएगा। एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। थर्ड की मैं बात करूँ, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर अगेन π/2 आएगा, बट मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब हम लोग इसका प्रूफ कर देते हैं, एक का प्रूफ कर देता हूँ, बाकी दोनों सेम प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया प्रूफ के लिए, साइन इनवर्स एक्स को थीटा अज्यूम कर लिया, तो आपके पास एक्स कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साथ के साथ यह मेंशन करना ना भूलें, जो थीटा है वो आपका -π/2 से π/2, यानी अपनी रेंज से बाहर तो नहीं जाएगा ना यार, -π/2 से π/2 रहने वाला है। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, इस साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, कोस ऑफ π/2 -थीटा। क्लियर है क्या सबको? मैंने कंप्लीट क्वेश्चन के दोनों साइड कोस इनवर्स ले लिया, तो ये कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा कोस इनवर्स कोस ऑफ π/2 -थीटा आ जाएगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इससे आंसर क्या आ रहा है, रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है जी। देखने के लिए मैंने क्या किया, जो थीटा है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनक्वालिटी का साइन घूम जाएगा, तो -π/2 यानी सेम ही आ जाएगा, -थीटा पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला π/2 इधर आएगा, साइन चेंज होगा, तो -π/2 से π/2 ही आ जाएगा। फिर मैंने पूरे क्वेश्चन में π/2 क्या कर लिया, ऐड कर लिया, π/2 जैसे ही मैंने ऐड किया, तो ये हो जाएगा π/2 -थीटा, ये पाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी ये तो क्या इसमें आ रहा है, रेंज में आ रहा है, 0 से π के इंटरवल की बात कर रहे हैं, और 0 से π के इंटरवल में कोस इनवर्स कोस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर ही तो होता है। थीटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कोस इनवर्स एक्स की मैं बात करूँ तो किसके इक्वल आएगा, π/2 -थीटा के इक्वल आएगा, तो थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और थीटा किसको माने थे आप, साइन इनवर्स एक्स को माने थे, तो ये किसके इक्वल आ गया, π/2 के इक्वल आ गया। हो गया ना प्रूफ? तो बाकी दोनों भी सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ किए जा सकते हैं। तो अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 खत्म हो चुकी है, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई सब लोगों को, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3π/4। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको लिखा 3 sin inverse x, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ने कितना आंसर दे दिया, π/2 आंसर दे दिया, इक्वल टू कितना हो गया, 3π/4 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 sin inverse x इज इक्वल टू 3π/4 -π/2, कितना जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/12 बनकर आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास बनकर आ गई साइन π/12।
तो ये तो हमारे पास साइन पाई बाई 12 मतलब साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 45 माइनस 30 अगर आपको याद नहीं है तो निकाल सकते हैं, और अगर आपको याद है डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 √2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए गाइज, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस 9 प्लस दिस करके लिखा हुआ है, आपको बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी। आप देखते हैं सबसे पहले पहले वाले पार्ट की मैं बात करूं तो क्या आने वाला है, 7 माइनस 2 पाई आने वाला है या 3 पाई माइनस 7, दो केस में से एक आंसर आने वाला है। इसकी मैं बात करूं तो ये 3.9 से बड़ा हो जाएगा तो ये तो नहीं आने वाला, फर्स्ट का तो आंसर क्या आने वाला है 7 माइनस 2 पाई। अब अगले वाले पार्ट की बात करें तो क्या आने वाला है, या तो 9 माइनस 2 पाई आने वाला है, यह क्या आने वाला है 4 पाई माइनस 9 आने वाला है। तो अब बात कर लेता हूँ कौन सा आने वाला, 9 माइनस 2 पाई की मैं बात करूँ तो ये तो आई थिंक बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 8 की बात कर लेते हैं तो 8 माइनस 3 पाई आने वाला है, या तो हाँ 8 माइनस 3 पाई से एग्जैक्ट बैठ रहा है तो 8 माइनस 3 पाई आ जाएगा। कोट इनवर्स इसकी मैं बात करूँ तो ये कितना जाएगा, ये तो सिमिलरली 11 माइनस 3 पाई आ जाएगा, क्या रेंज में 0 से पाई के रेंज में अभी भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अब सीकेंट इनवर्स वाले की बात करें तो इसके लिए 5 के लिए तो केस कौन कौन से केस देखने पड़ेंगे, एक तो 2 पाई माइनस 5 वाला केस देख लेता हूँ और एक 5 माइनस 4 पाई वाला, ये तो नेगेटिव चला जाएगा, ये तो नहीं आएगा, 2 पाई माइनस 5 वाला केस सेट बैठ रहा है। अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए कौन से 6 के आसपास जाना है, 6 के लिए कौन कौन से केस देखोगे बोलो, 6 माइनस 2 पाई देख सकते हैं, यह क्या देख सकते हैं पाई माइनस 6 वाला केस देख सकते हैं, तो 6 माइनस 2 पाई सेट हो जाएगा, ये तो बहुत नेगेटिव आने वाला है। तो अपने पास सबके आंसर आ चुके हैं, फर्स्ट वाले का आंसर बोलो कितना आया 7 माइनस 2 पाई। यस, आपको क्या करना है नंबर में से वो नंबर माइनस करना है, जिस नंबर के माइनस करने से वो नंबर क्या आ जाए रेंज में आ जाए, 7 माइनस 2 मैंने आपको रेंज इसकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही लानी है, कोस की रेंज 0 से पाई लानी है, टेन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई ओपन ब्रैकेट में लानी है, समझ के कोट के लिए सेम ऐसे ही आपको सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए करना है। तो फर्स्ट का आंसर कितना गया, अगर आपको ग्राफ याद है तो ग्राफ जाकर देख लीजिए कौन 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 सी ब्रांच पे जा रहा था, ये 7 माइनस 2 पाई, दूसरे का रहा 9 माइनस 2 पाई, थर्ड वाले की बात करें तो 8 माइनस 3 पाई, इसकी बात करें तो क्या रहा 11 माइनस 3 पाई, अगले वाले की बात करें तो यार 2 पाई माइनस 5, नेक्स्ट वाले की बात करें तो यार 6 माइनस 2 पाई। तो बना लीजिए कितना बन गया है 2 4 7 10 10, हाँ जी ये हो गया 16 24, ये हमारे पास आ गया 7 16 24, 35 35 41, ठीक है जी, ऐड कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिखा हुआ 3x² + 8x लिखा हुआ है, इसको लिखा हम लोगों ने 3x² + 8x, यस 2 बाहर हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 की बात कर रहा है, तो 4 को रेंज में लाने की बात करते हैं, तो 4 में से मैं अगर पाई में से 4 माइनस कर दूंगा तो ये डायरेक्टली रेंज में आ जाएगा, यस पाई 3.14 माइनस 4 करेंगे तो रेंज में आ रहा है हमारा। सेकेंड वाले की मैं बात करूं तो कोस इनवर्स कोस 4 के लिए तो या तो कर क्या करना होगा 2 पाई माइनस 4 करना होगा, 2 पाई माइनस 4 ही हमारा रेंज में आ रहा है, समझ गए क्या, या 4 माइनस 4 पाई करते हो तो रेंज में ही नहीं आता। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है 3x² + 8x, ये आ गया 2 पाई माइनस 8 माइनस 2 पाई + 4, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बनकर आ गया 3x² + 8x - 4 आएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ तो ये आ गया 3x और ये आ गया x < 0, कर लेते हैं तो आंसर 4 आना चाहिए तो ये 2 आ सकता है, ये भी मैंने एक बार 2 लिखा सेट कर लेता हूँ, ये 2x और 6x, यस बिल्कुल हाँ जी बैलेंस हो रहा है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो कहाँ कहाँ 0 होगा, ये 0 होगा -2 पर एंड -2/3 पर, प्लस माइनस प्लस
नेगेटिव का आंसर है तो माइनस टू से माइनस टू बाई थ्री आपको क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? तो गाइज नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, थ्योरी आप समझ चुके हैं, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए गाइज और खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, के माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस के प्लस फोर ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन ट्वेल्व प्लस कोस इनवर्स कोस ट्वेल्व। तो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ट्वेल्व हम लोगों को रेंज में लाना है, या तो क्या होगा 3 पाई माइनस ट्वेल्व होगा या 12 माइनस 4 पाई होगा। और इसकी मैं बात करूँ तो ये तो क्या होगा 4 पाई माइनस 12 होगा इधर, या फिर क्या होगा 12 माइनस 6, वो तो रेंज में नहीं हो जाएगा, ये आई थिंक रेंज में आ जाएगा। इन दोनों में से देख लीजिए कौन सा रेंज में आ रहा है। 4 पाई की मैं बात करूँगा तो 3 पाई 3.14 की मैं बात करूँ तो शायद ये आ जाए 9, तो ये तो नहीं आने वाला रेंज में। और ये 4 3 जा 12, यस ये अप्रोक्स आ जाएगा, तो ये हमारा रेंज में आ रहा है। क्लियर है क्या सबको? तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या बन कर रहा है अपने पास। ये लिखा हुआ है के माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस के प्लस फोर ग्रेटर देन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 माइनस 4 पाई। और इसकी मैं बात करूँ तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 12, कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है के माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस के प्लस फोर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, कोई एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव, तो इसका मतलब उसका लीडिंग कोफिशियंट को तो पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा। के माइनस टू को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, के को ग्रेटर देन टू भी होना पड़ेगा, साथ के साथ डिस्क्रीमेंट को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। डिस्क्रीमेंट को नेगेटिव किया 64 माइनस 4 AC, के माइनस टू के प्लस फोर लेस देन 0, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 16 हो गया। और ये आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस 4K माइनस 2K माइनस 8 लेस देन 0, तो 16 माइनस के स्क्वेयर, ये प्लस 2K आएगा तो माइनस 2K हो जाएगा। और ये आ जाएगा अपने पास प्लस 8 लेस देन 0 माइनस, ये आ गया 16 प्लस 8 24, 24 माइनस के स्क्वेयर माइनस 2K, नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको के माइनस से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वेयर प्लस 2K माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज इसको मैंने कर लिया है तो इसको फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, के प्लस 6 आ जाएगा और के माइनस 4 पॉजिटिव आ जाएगा। कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, माइनस 6 पर और 4 पर, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आ रहा है। अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ये भी ध्यान रखना होगा, ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है वो तो रिजेक्टिव हो जाएगा, 2 से बड़ा 4 से बड़ा, तो फाइनली आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 4 से बड़ा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइज नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू पाई बाई टू, दिया हुआ नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स इंटू एक्स प्लस वन को हमेशा क्या होना पड़ेगा, 0 है, 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा। साथ के साथ एक्स इंटू एक्स प्लस वन को क्या होना पड़ेगा, हमेशा क्या होना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है तो इसको क्या होना पड़ेगा, हमेशा 1 से कम होना पड़ेगा। क्लियर है क्या, हमेशा क्या होना पड़ेगा, 1 से कम होना पड़ेगा। और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो 1 कट जाएगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 को हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। और यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 को हमेशा ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं कि आप दोनों का कॉमन पार्ट मुझे देखना होगा। कॉमन डोमेन की मैं बात करूँ तो यानी एक्स इंट, ये तो कभी ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, ये लेस देन 0 की बात कर रहा है, तो हम लोगों को तो कॉमन पॉइंट देखना पड़ेगा, यानी दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 0 होना पड़ेगा तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर या एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पर ही पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा था, नंबर ऑफ रियल जो सॉल्यूशन आपके पास आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 हम लोगों को गिवन है।
तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 कितना देगा, पाई बाई 2 देगा। क्लियर है क्या? अब मैंने क्या किया, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 लिखा हुआ है, तो आपके पास इसको लिख सकते हैं क्या कोस इनवर्स 1/5, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल होने वाला है, पाई बाई 2 के इक्वल होने वाला है। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/5। क्लियर है गाइस? तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या टेन इनवर्स कोस एक्स को लिख सकता हूँ क्या कोस टू फॉर्मूले से, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये तो कोस एक्स ही लिखा हुआ है। और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए इसका खोलेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 हो जाएगा, 2 कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 क्या बनकर आएगा, साइन एक्स बनकर आएगा। ऊपर नीचे फैक्टराइज कर लिया, इसको जो एक प्लस करके लिखा एक माइनस करके लिखा, प्लस वाले से फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाला फैक्टर आपके पास बचेगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे वाले की बात करें तो लिखा हुआ है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। कंप्लीट क्वेश्चन को कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन का क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। अब टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा कब होता है, जब थीटा आपके पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई की रेंज में हो। तो हम लोगों ने इसको अकॉर्डिंग मैच भी करा लिया, अगर आप चाहते तो कर सकते हैं कि आपके पास एक्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच पर है। अब क्या क्या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी घूम जाएगी, बट वो माइनस और पाई से ही आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स में नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ एक सेकेंड। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस एक्स बाई 2 पूरे क्वेश्चन को क्या किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो जाएगा। अब पूरे क्वेश्चन में पाई बाई 4 मैंने ऐड भी कर दिया, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ये पाई बाई 2 तो अभी भी हमारे पास क्या रेंज में है। तो इसको अगर tan इनवर्स ऑफ tangent थीटा लिखा होता तो आंसर क्या जाता है, थीटा आ जाता है। तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, टेन स्क्वेयर को लिख सकता हूं क्या मैं, सीकेंट स्क्वेयर सीकेंट इनवर्स 2 माइनस 1 करके, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिखा कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट स्क्वेयर कोसिकेंट 3 माइनस 1 कर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स 2 कंप्लीट का होल स्क्वेयर, और इसको मैंने लिखा कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 3 कंप्लीट का होल स्क्वेयर करकर माइनस 2 करकर। यस, बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स डायरेक्टली आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वेयर आ जाएगा 9 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया, 11। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने आ रही है, टेन इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 20 के इक्वल टू के, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास टेन ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेन ए ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो मैं इसका फॉर्मूला खोल सकता हूँ क्या, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स 2 बनकर आएगा प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स 20 के बनकर आएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस
टेन ऑफ टेन इनवर्स टू बनकर आएगा इंटू टेन इनवर्स 20 के आएगा, और ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, ए प्लस बी के इक्वल लिखा हुआ है। मैंने इस पर टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, तो यहाँ से ऊपर से तो टू आ गया, सेकंड की बात करें तो क्या आ गया, 20 के आ गया, वन माइनस यहाँ से टू आएगा, यहाँ से 20 के आएगा, तो कितना आ गया, 40 के इज इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गया 2 + 20 के इज इक्वल टू के माइनस 40 के स्क्वेयर। 40 के स्क्वेयर को इधर लेके आ गया तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, +19 के + 2 = 0। अगर इसके दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन K1 और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, K2। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ K1 + K2 पूछा है, तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 19/40। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग अगेन करेंगे एंड प्रॉपर्टी नंबर 5-6 डिस्कस करेंगे।